नई 2023 हुंडई वर्ना को दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें 1.5 लीटर नेचरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है। न्यू जनरेशन हुंडई वर्ना दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया देश में अपनी न्यू जनरेशन वर्ना को इसी महीने 21 मार्च 2023 को लॉन्च करने वाली है। इस कार की डिलीवरी अप्रैल के मध्य तक शुरू हो सकती है। कंपनी ने अपनी इस कार के डायमेंशन के डिटेल्स का खुलासा किया है। कैसा होगा डायमेंशन? हुंडई का इस नए मॉडल में 2670 mm का व्हील बेस दिया गया है। इस कार की लंबाई 4535 mm, चौड़ाई 1765 mm और ऊंचाई 1475 mm है। यह कार अपने मौजूदा मॉडल ज्यादा लंबी और चौड़ी है, लेकिन ऊंचाई समान रखी गई है। होंडा सिटी फेसलिफ्ट से मुकाबला। डायमेंशन के मामले में नई वर्ना की लंबाई 4535 mm, चौड़ाई 1765 mm, ऊंचाई 1475 mm, व्हील बेस 2670 mm और 528 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जबकि न्यू होंडा सिटी फेसलिफ्ट की लंबाई 4549 mm, चौड़ाई 1748 mm, ऊंचाई 1489 mm, व्हील बेस 2600 mm और 506 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। होंडा सिटी की तुलना में नई 2023 हुंडई वर्ना 17 mm चौड़ी और अधिक स्पेस के साथ आती है। होंडा सिटी में 506 लीटर का बूट स्पेस है, जबकि नई वर्ना में 528 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। नई सिटी सेडान नई वर्ना से लंबी है। हुंडई का कहना है कि नई पीढ़ी की वर्ना को एक प्रीमियम और शानदार अपील के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें प्रीमियम और अपमार्केट इंटीरियर के साथ एडवांस डिजाइन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। लंबे व्हील बेस और अधिक चौड़ाई के साथ 2023 हुंडई वर्ना में सेकंड रो के पैसेंजर्स को अधिक स्पेस मिलता है, जबकि आगे और पीछे के यात्रियों के लिए बेहतर शोल्डर रूम के साथ बेहतर रियर सीट लेगरूम और नी रूम दिया गया है। इस सेडान में एक वाइड ट्रंक ओपनिंग, फोन होल्डर, मल्टी बॉटल होल्डर, मल्टीपर्पज कंसोल और कूलिंग ग्लोव बॉक्स दिए गए हैं। कैसा होगा इंजन? नई 2023 हुंडई वर्ना को दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें 1.5 लीटर नेचरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 6 स्पीड मैनुअल और IVT गियरबॉक्स देखने को मिलेगा और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा। नई वर्ना टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार होगी। ये दोनों इंजन E20 इथेनॉल फ्यूल कंपेटिबल है।